से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एब्सोल्यूट हेल्थ पर। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। दोस्तों आज अपना 14वां दिन है जब हम लोग अपना योगा क्लास पूरा कर रहे हैं। 13 दिन तक अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 14वां दिन है, तो कहीं पार्ट मिस मत करिए और शो से लेकर लास्ट तक हमें योगा क्लास पूरा पूरा करिए। अगर आप नए हैं बिल्कुल, आपने पहले कोई क्लास नहीं किया है, तो एक पहले काम करिए कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे और वीडियोज़ मिलते रहे, ताकि आप आगे ऐसी पूरी योगा क्लास करते रहें। और नए आते बच्चे और करिए कि अपने एक दिन से लेके 5 दिन का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि पहले कोई भी योगा आसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं। जो पहले हम लोग करते हैं वो करते हैं पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग, तो उसके अंदर को स्ट्रेचिंग मिलेगा। उसके बाद हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार, तो प्रॉपर कैसे एक प्रॉपर गाइडेंस जो है उसके साथ मैंने प्रॉपर डाला हुआ है, तो आप वो पहले वो करिए, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से देखना चालू करिए, ताकि क्योंकि वो लोग करना होता है, जो लोग पुराने हैं उसमें ऑलरेडी योगा कर रहे हैं उनको पता है कि उनको पहले क्या करना है, तो वो ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, वो तैयार है ये आगे आसन करने के लिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप पहले जाके वो कर लीजिए। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आज हम लोग कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जो खासतौर पर हाथ पाथ पे जो होता है ना, ये हो गया और पेट हो गया, इन पर ज़्यादा काम करने वाला है, तो अभी वो करते हैं। तो जो पहला जो है उसका नाम है विपरीत दंडासना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो कैसे होता है देखिए, इसके लिए पहले ऐसे हाथ दोनों से रख लीजिए पीछे की तरफ और पांव पूरे स्ट्रेट, और फिर ब्रीथ को इन करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर करेंगे, फेस को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए ध्यान रखिएगा, सांस को लेते हुए वहां तक करेंगे, ठीक है, और होल्ड करेंगे पोजीशन को। तो चलिए अभी करते हैं, ब्रीथ इन करते हुए एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया एक बार। चलिए और करते हैं, फिर से ब्रीदिंग करते हुए करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार और करते हैं लास्ट, ठीक है, इसको फिर अलग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये हो गया अपना विपरीत दंडासना। ओके, ये हो गया। अब ये दूसरा है वो भी कुछ इसी तरीके से है, वो भी हाथ के ऊपर ही पैसा था। अगर आप लोग हाथ दौड़ा धुपने गए तो उसको से अच्छे से बड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। हम लोग करते हैं वैसे अपनी कलाई को, और लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध पूर्वोतानासना, अर्धनी आधा है वो, ये पूरा था हम लोग उसको आधा है उसके अंदर। उसके अंदर क्या करना है, ये बेल्ट रखना है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेबल टॉप। टेबल कैसे होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे, तो ऐसे इतना कि पाँव ऐसे, हाथ ऐसे, ये बाकी पोर्शन ऐसे, तो ये ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ऐसे अपने को बनाना है। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ पाँव जो है पास में कर लीजिए, थोड़े से पहले ये जेड वाली पोर्शन बना लीजिए, जिग जेड, अप डाउन अप एंड डाउन, ठीक है, नीचे ऊपर एंड देन नीचे, ठीक है, ये किया। उसके बाद ब्रीथ को इन करते हुए सेम पूरा जो पूरा पेट जो है अपने को ऊपर उठाना है। तो चलिए ब्रीथ इन करते हुए करते हैं 1 and 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया एक। चलिए और करते हैं, फिर से ब्रीदिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके गुड, दो बार हो गया, एक और करते हैं चलिए, ठीक है। लेकिन आपको उसके बाद दो और करना है, आपको 5-5 बार आपको कम से कम करना है, ठीक है। चलिए मैं एक और करता हूँ आपके साथ में, ब्रीदिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ध्यान रखिएगा कि पाँव इसको जो पेट में है ना पूरा ऊपर उठाना, इनको ऐसे नहीं रखना, देखो ये नीचे ना भी ये ऐसे रखना, तो पूरा ऊपर उठाना ऐसे, तभी मजा आएगा सिर्फ करने, ठीक है। ये हो गया अपना अर्ध पूर्वोत्तानासन। अभी जो नेक्स्ट है वो है अपना तुलासन, या उसको झूलासन भी हम लोग बोल सकते हैं। उसमें क्या करना है, पहले तो बैठना अपने को पद्मासन के अंदर। तो पहले चलिए पद्मासन में बैठ जाते हैं, ये पद्मासन बैठ गए। उसके बाद दोनों हाथ साइड में रखना है और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है बैलेंस करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कोई बात नहीं, पहले तक इसमें बैठना सीख जाइए। अगर आप
इसमें कैसे बैठना नहीं पता था, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं इससे पहले वाले, कुछ मेरे सिंगल सिंगल वीडियोस उसमें बताया हुआ है कि कैसे आप पद्मासन में बैठ सकते हो। तो जाके एक बार देखिए, उसके बाद हम लोग पद्मासन के अंदर बैठ जाएंगे। तो ये पद्मासन में हो गए अभी हम लोग। अभी क्या करना, देखिए दोनों हाथ साइड में और थोड़ा सा पेट जो है ना इसको थोड़ा सा सिकोड़िए करेंगे हम लोग, सिकोड़िए वरना फिर क्या पूरा ऊपर उठ नहीं पाएंगे। और शोल्डर को जो है ना थोड़ा सा ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तभी हम लोग प्रॉपर तरीके से ऊपर उठ पाएंगे। थोड़ा सा बैक को आर्च करेंगे तब हम लोग इसको ऊपर उठा पाएंगे, वरना ऊपर नहीं उठेगा। वरना अपना इतना बॉडी का होता नहीं कि हम लोग पूरा उठा पाएंगे, पूरा स्ट्रेट होने के बाद भी नहीं उठेगा वो। तो चलिए पहले साइड में हाथ रख लेता हूँ मैं ऐसे, और उसके बाद क्या करना है पूरी बॉडी को ऐसे उठाना। ये उठ गया, ये हो गया अपना तुलासन। अभी ये तो एक पोजिशन हो गई जहाँ पे हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी झूलासन भी है, झूलना भी है इसके अंदर। तो वो कैसे करना है, वो आगे पीछे झूलना है बैलेंस बनाते हुए, गिरना नहीं, ध्यान रखिएगा। दोनों हाथ यहाँ रख लिए एंड पहले तो ऊपर उठ जाइए एंड देन ये हो गया अपना झूलासन। करिए ऐसे, अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, पहले से उठा के करिए इसको, वहाँ तक पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। वो एक बार हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर ये झूला करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसके अंदर। इसको निकाल लीजिए और थोड़ा सा मसाज कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अभी आपने पूरा पद्मासन में थी तो हो सकता है कि थोड़ा सा क्रैम्प वगैरह आने के चांसेस भी रहते हैं, अगर आपने पहले नहीं किया है या कुछ नहीं करते इतना से नहीं बैठते इतना। तो ये हो गया अपना झूलासन या तुलासन। अभी करते हैं अगला वाला। अगला वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कुर्मासन। वो कैसे होता है देखिए, पहले तो उसके लिए अपने को बैठना पड़ेगा वज्रासन के अंदर, उसके बाद वो हम लोग आगे करते हैं। तो दोनों साइड करके दिखाऊंगा। ये मैं बैठ गया वज्रासन में ऐसे। अभी यहाँ पर क्या करना, ये बैठने के बाद जो कोहनी है उनको सिकोड़ के जो नाभि है उसको दोनों साइड में अपनी कोहनी को टिकाना है, ठीक है। और उसके बाद सामने की तरफ जाना है और हाथ दोनों ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो पहले तो वहाँ टिकाइए, पहले ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते सामने की तरफ एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुड। अब फिर से ब्रीथ इन करते ऊपर एंड ब्रीथ आउट। ये हो गया अपना कुर्मासन। एक बार किया, फिर से करते हैं ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये मैंने सीखा, अभी मैं सामने से करके दिखाता हूँ आपको। बैठ जाइए एंड दोनों नाभि के दोनों साइड में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड अभी सामने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अप एंड ब्रीथ आउट। ये हो गया अपना अगला कुर्मासन। अभी हम देख लें कैसे कुर्मासन होता है। अभी जो नेक्स्ट है वो हम लोग उसको बोलते हैं गतिमय मेरु वक्रासन। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। पहले तो क्या करना है, दोनों पाँव ऐसे रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये राइट वाला मेरा पाँव है तो इसको लेफ्ट वाली साइड से ऐसे पकड़ लूँगा मैं इसको, ठीक है। और ये और दूसरा जो हाथ है मैं यहाँ पर रखूँगा, लेकिन सिर्फ ये करने के लिए ऐसे, ये गति में कंटिन्यू हो रहा है, होल्ड नहीं करना है यहाँ पर, कंटिन्यू करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये मैंने पकड़ा यहाँ से, यहाँ मेरा पहले से ये इसे ऐसे रखना है मेरे को, आगे नहीं जाना है इतना, ठीक है, ऐसे ही रखना है मेरे को। तो ये किया और ब्रीथ इन करते हुए यहाँ तक आऊँगा और यहाँ से यहाँ तक ब्रीथ आउट है, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रीथ इन है, यहाँ से यहाँ ब्रीथ आउट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ब्रीथ इन, यहाँ से ब्रीथ आउट, यहाँ से ब्रीथ इन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, फिर से एक बार एंड ब्रीथ आउट। ये वाली साइड से अभी करते हैं, मैं वो वाली साइड से करता हूँ, ठीक है। तो अभी राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग को मैं पकड़ लूंगा, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा मुझे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये हो गया अपना गतिमय मेरु
वक्रासन। तो ये कुछ आसन है, अभी हम लोग करेंगे एक लास्ट आसन और करने वाले हैं, उस आसन का नाम है व्याघ्रासन। तो वो कैसे होता है देखिए, तो उसमें क्या करना है, पहले तो अपने को आ जाना है ये वाली पोजिशन के अंदर, जो कैट पोज करते हैं काउ पोज उसी में करना है अपने को। इसमें क्या करना है देखिए, यहाँ पर ब्रीथ को इन करते हुए पाँव ऊपर ले जाना है ऐसे ही बैंड करते हुए ऐसे, और बैक को नीचे लाना है, फेस को ऊपर ले जाना है, ठीक है। जैसे ये मजरासन हम लोग करते हैं ना, मजरासन जो हम लोग करते हैं ये वाला करते हैं ना, वैसा ही है ये, लेकिन इसमें भी पाँव भी ऊपर जाएगा, ठीक है, कैट पोज के अंदर ही। तो ये लेके फिर ब्रीथ आउट नीचे आएंगे तो पाँव पूरा ऊपर आ जाएगा, अंदर नीचे दबाएगा और टच करेगा नाक से, फिर से ऊपर ये करना होगा कम से कम 10 बार, ठीक है। मैं 3 बार किया, अभी मैं 3 बार इस वाले पांव से करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट लेग से। आपको 10-10 बार करना है, ध्यान रखिएगा। ब्रीदिंग तो ये तो आज के हो गए अपने सारे योगा आसन, जो कुछ करवाए मैंने 6-7 जो भी आसन किए हम लोगों ने। अभी हम लोग करेंगे प्राणायाम, और प्राणायाम करने के बाद लास्ट में हम लोग ओम और श्वासन करके फिनिश करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं अभी प्राणायाम। अभी हम लोग कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति में कैसे करना होता है आपको पता है, आपने पहले नहीं देखा तो करके दिखाता हूँ कैसे उसको करना है। तो उसमें क्या करना है, ब्रीथ इन करना है, उसके बाद थ्रो 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 करना है, इन नहीं करना है बीच में भी आपको, ठीक है। थोड़ा इन होगा वो बाय डिफॉल्ट होता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसे इन करने का आवाज़ नहीं आना चाहिए। जितना भी है सारा आवाज़ जो है ना बाहर आप निकाल रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, उसका ही आवाज़ होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ब्रीथ इन किया एंड स्लोली ब्रीथ आउट कर दीजिए नॉर्मल। अभी करते हैं उसको, ठीक है, ब्रीथ इन, अरे इस तरह से। तो सिर्फ ब्रीथ आउट का आवाज़ है, इन करने का आवाज़ नहीं है। मैं आप समझ रहे होंगे क्या है ये आवाज़, इनका समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा। ये जो मैंने किया ये सही तरीका है इसका, ठीक है। अभी जो कैसे रॉन्ग करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पर इससे पहले पहले इसको सीख लेते हैं कि ये करते कैसे, इसको क्या करना है। देखिए आपने पहले ब्रीथ इन किया, पूरा ब्रीथ भर लिया, उसके बाद से ब्रीथ को थ्रो करना है। थ्रो कैसे करना है, पेट जो है ना उसको अपने अंदर ऐसे अंदर की तरफ लेके जाना है पेट को। जब पेट अंदर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा ब्रीथ बाहर आएगा। अब आपको लग रहा है कि ये तो हो नहीं पा रहा है, कैसे ये थ्रो करना है, कैसे इन करना समझ में नहीं आ रहा, नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, दिखता इजी है, थोड़ा टेक्निक है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आपको मसल्स यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए क्या कर देखिए, दोनों हाथ यहाँ रखिए, सिर्फ रखना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ रख लीजिए। और अभी देखिए जब भी आप पेट अंदर की तरफ जा रहा हो, आप पता चल जाएगा पेट अंदर गया अभी मेरा, उस टाइम आपका ब्रीथ बाहर थ्रो होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने इतना बस, ठीक है। जैसे ब्रीथ किया एंड ये अंदर गया, ब्रीथ आउट। अभी साथ में नहीं करते हो, सिंगल सिंगल एक एक दो 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 बार ही करते, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, उससे ऊपर नहीं करते उसके रिपीटेशन, ठीक है। देखिए अभी आप सोचेंगे कि ब्रीथ तो इन करना नहीं है तो पेट बाहर वापस कैसे आएगा, अंदर रह जाएगा वो, तो नहीं, पेट आप बाहर ले सकते हो लेकिन ब्रीथ आपको इन नहीं करना है। नॉर्मली आप बिना ब्रीथ इन की भी आप पेट आगे पीछे कर सकते हो, आपको पता है, आप करके देख लीजिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, जैसे कि ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट, ये प्रेस करना, पेट प्रेस करेंगे ना अंदर जाएगा, थ्रो होगा, ये चीज़ें ध्यान रखना, ऐसे आपको करना है। अभी ब्रीथ का जो आवाज़ की बात कर रहा था मैं, कैसे इन और आउट करना है, जो रॉन्ग होता है राइट होता है, अभी आपको दोनों करके दिखाता हूँ। आपको पहले राइट करता हूँ फिर रॉन्ग करता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छा ये डिफरेंस है। तो पहले राइट कैसे करते हैं वो देखो, फिर से कर दे लीजिए, ये इसमें सिंगल ब्रीथ आउट करने का आवाज़ आ रहा है। अभी देखिए दो साउंड आएंगे, इन आउट दोनों का आवाज़ आएगा, जो नॉर्मली सारे लोग करते हैं, यूजली जो रॉन्ग करते हैं इस तरह से रॉन्ग कर देंगे, देखिए थ्रो अभी भी हो रहा है, पेट भी अंदर जाते ही बाहर थ्रो हो रहा है, लेकिन मेरा ब्रीथ भी इन हो रहा है जो कि अपने को नहीं करना है, तो ये रॉन्ग हो रहा था। अभी रॉन्ग आपने देखा कैसे आवाज़ आया था, दोनों समझ में आ गया ना, दोनों फटाफट से करता हूँ, देखिए राइट रॉन्ग, ये चला जाएगा सर अपने भस्त्रिका की तरफ से, चीज़ का ध्यान रखना है। और ये कम से कम करना है 2-2.5 मिनट करना है,
और ये उसके सारे फायदे वगैरह सारे सिंगल सिंगल है उस जगह देखिए। तो अभी हम लोग करते हैं उज्जयी प्राणायाम। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनको क्या है कि अपना अगर किसी का थायराइड का इशू है, ये उन लोगों के लिए बहुत सही है। गले कुछ भी इशू है उन लोगों के लिए बहुत सही है। तो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग साथ में करेंगे। तो पहले एक बार मैं सिग्नल कर रहा हूँ, सर आप देख लीजिए दोनों हाथ यहाँ पर, हाथ काम में नहीं आ रहे, दोनों हाथ यहाँ पर ज्ञान मुद्रा पोज में। और अभी क्या करना है, ब्रीद इन करना है, लेकिन जो अपना गला है ना इसमें आवाज़ आनी चाहिए, इसमें क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए, घर्षण जो ना कि रगड़ने वाली आवाज़ ना वैसा। तो उसके बाद जो साउंड आएगा ना तो उससे पूरा गला क्लीन हो जाएगा। चलिए करते हैं एक बार, दोनों यहाँ पर हाथ रख लिए एंड दिस इज द एक्चुअल वॉइस दैट यू हियर। जब आप ये करेंगे तो आपको ऐसे आवाज़ आपको निकालना है। तो गले का खराश वराश जो भी होगा सारा का सारा ऐसे निकल जाएगा। बोले यार कैसे आवाज़ आ रहा है सर, हमारा तो नहीं आ रहा अभी कर। आपको वो जो इंटेंसिटी लानी पड़ेगी, आपको ये वाला जो यहाँ का जो मसल्स है, ये जो गला है उसको यूज़ करना पड़ेगा। और आपको फिर इसे लोग करते ना खखाड़ते ना ये करते ना करते नहीं करते तब क्या यही यूज़ करते ना, सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर आपको ब्रीथ को इन करते हुए एक चीज़ करनी है, आपको इतना ध्यान रखना। तो करके देखिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, ये गला साफ नहीं होता, फिर से बीच में अटक जाता है, फिर ऐसा प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो इससे पहले एक चीज़ करूँगा कि आप एक काम करिए, अगर ऐसा आप ठंडा पानी मत पीजिए, अगर ये तुरंत कर रहे हैं ठंडा पानी पी के मत करिएगा, ठीक है। और ना ही करने के बाद ठंडा पानी पीना है। चलिए फिर से करते हैं, फिर से चलिए एक बार करते हैं। ये हो गया अपना उज्जयी प्राणायाम। तो अगर किसी का भी गले का इशू है, थायराइड का इशू है, कुछ भी है प्रॉब्लम है, तो ये से सारा दूर कर। अभी जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं भ्रामरी। आपको पता है भ्रामरी कैसे होता है, नहीं पता तो एक बार काम करिए, आँखें खोल के देख लीजिए मैं कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आके ओपन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर किया हुआ पहले से मेरे साथ में तो आप आँखें बंद करिए साथ में मेरे कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया हुआ पहली बार कर रहे हैं तो एक काम करिए आँखें ओपन करिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करिए इस चीज़ को। तो पहले क्या करना है, देखिए दोनों हाथ सॉरी दोनों जो उंगलियाँ हैं ये अपने आईज के ऊपर रखेंगे, छोटी वाली उंगली ऊपर, सबसे छोटी जो होती है वो नीचे की तरफ गाल पर रखेंगे, और अंगूठे से कान बंद करेंगे। कान के पास में इधर ये ऐसा होता है, देखो ये होता है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो कान बंद हो जाएगा। और फिर ब्रीद इन करेंगे एंड देन हमिंग का साउंड करेंगे, ये वाला साउंड करेंगे बस, ठीक है। चलिए तीन चार बार करते हैं, ब्रीद इन मैंने चार पांच बार किया, आपको कम से कम सात से दस बार करना है। तो ये हो गया अपना भ्रामरी। अभी लास्ट वाला ओम, आंखें बंदी रखेंगे और ब्रीद इन करेंगे एंड देन ओम के साथ में ब्रीद आउट करेंगे धीरे धीरे से। आपको ओम का साउंड करना है, ब्रीद ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए आपका ब्रीद पता होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग का ऑलमोस्ट 60-65% जो है ना ब्रीद आपका वो ओ के साथ में बाहर आना चाहिए, और लास्ट वाला 35% है जो है वो है आपका मैं होना चाहिए। ऐसा नहीं सर आपने ओ पूरा कर दिया लास्ट में सिर्फ ओ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मैं भी प्रॉपर आना चाहिए उसके अंदर। तो चलिए ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, तो नॉर्मल कर लीजिए ब्रीथ। ओके अभी ब्रीथ इन एंड ओ
चलिए लास्ट करते हैं, फिर तो शवासन करेंगे। नाम शवासन, आंखें ओपन नहीं करेंगे और योगा मैट के ऊपर लेट जाएंगे बिल्कुल धीरे से। हाथ साइड में बिल्कुल रिलैक्स होते हुए पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स कर दें। किसी बॉडी पार्ट में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, शोल्डर ड्रॉप बिल्कुल, बैक टेंशन नहीं होना चाहिए, पेट पे बिल्कुल टेंशन नहीं, थाइस पे, हाथ पे, हाथ की उंगलियां सब बिल्कुल एकदम रिलैक्स, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद आंखें बंदी रखेंगे, हाथ ऐसे बिल्कुल ऐसे करेंगे, रब करेंगे बढ़िया से। एंड धीरे से आंखों के ऊपर एक बार फिर से धीरे से आंखें ओपन करेंगे एंड टर्न लेंगे, बैठना नहीं है अभी, टर्न लेंगे राइट साइड। लास्ट अपने एक लास्ट स्ट्रेचिंग बचता है वो कर लेते हैं। पहले ब्रीद इन करेंगे और राइट घुटने की तरफ जाएंगे और ब्रीद आउट करते हैं, फिर ऊपर आएंगे ब्रीद इन करते हुए एंड लेफ्ट साइड में ब्रीद इन करते हुए ऊपर एंड फ्रंट साइड जाएंगे ब्रीद आउट करते हुए एंड ब्रीद आउट। दोस्तों ये रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या क्या लगा, सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप नए हैं, आप पहली बार अपने जो वीडियो देख रहे हैं, तो एक काम करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान उसको भी दबा दीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के लिए जो लोगों को ऐसे ही योगासन की ज़रूरत हो, जो शायद योगा सीखना चाहते हो बट पता नहीं कैसे सीखना है कैसे करना है, तो वो भी करिए, इसको शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़ और है कि देखिए मैंने ना ये तो मैंने इस तरह से करवा रहा हूँ, प्रॉपर नाम लिया मैं सीधा करवा रहा हूँ, बट एक एक पर्टिकुलर जो योगा आसन जो मैं करवा जो भी करवा रहा हूँ मैं सबका मैंने सिंगल सिंगल योगा आसन का मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं हर योगा के नाम के साथ में, इसका क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, किस किस के नहीं करना है, वो सारा मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। तो वो भी जाके आप देख लीजिए, जहाँ पर आपको डाउट लगे आ रही है थोड़ा सही से मैं हो नहीं पा रहा है, एक्चुअली में कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो जाके मेरे वीडियो जाके देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।